bring the image. So what I did is I went here, I did copy image. And then I did paste here. Simple. Ye already maine kiya hai. Samjha? टेक्स्ट के साइड्स में टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं? टेक्स्ट के साइड में टेबल कहाँ इंसर्ट किया हमने? अच्छा टेक्स्ट के साइड में आएगा, रुको अपने पास वो सिचुएशन भी आएगा वैसा। अभी हम लोग फर्स्ट, अभी साइंटिस्ट रिपोर्ट है तो सबसे पहले कोई भी रिपोर्ट बनाते हो तो उसके अंदर रिपोर्ट का फर्स्ट चीज हम क्या लिखते हैं? एनीबॉडी? टाइटल। तो ये हमारा टाइटल हो गया, राइट? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। नाउ ऑब्वियसली ये सेम फॉन्ट है, इसको हम इसको 16 उससे थोड़ा सा छोटा रखना है वैसा। एक्चुअली ये फॉन्ट मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, सॉरी। लेट्स चेंज दिस। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है। So we can insert the name of the scientist. What we can do? Insert the name of the scientist. Yes, we'll so abhi wahi karenge. So abhi humko ye introduction mein abhi humko ye likhna hai ke we are ye samjho abhi ye by default agar choose kiya hota hai na to isko select yahan pe change kar dene ka aur ye kar dene ka to abhi ye aisa rahega. We are writing. और इसको भी होल्ड कर देने का, और ये सब आप आपके हिसाब से लिखना है। एक अच्छा सजेशन था कि हमको डेट भी डालना चाहिए। डेट यूजुअली हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में डालते हैं। तो पहले यहाँ पे समझो आज डेट क्या है, 30th है, राइट? 2020, इसको बोल्ड इसका हटाओ, इसको इटैलिक करते हैं, डेट से इटैलिक में अच्छी लगती है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको राइट में डालना है। So which button will we use? Anybody? Upper right का है ना वो। Alignment के लिए side में रहता है। Second, alignment second. तो इसको हमने right में डाल दिया है। ये वापस बोला, आवाज नहीं आ रहा, बोलो। कौन बोल रहा था? आवाज नहीं आई है, आवाज क्या चल? अभी ये जो बाकी का जो है ना, यू हैव टू राइट दिस इंट्रोडक्शन, थोड़ा और ज्यादा करना है। अभी समझो मैं यहाँ पे, एंड दी स्पेलिंग मिस्टेक्स कीप देम देयर, विल यूज एट द एंड, विल यूज दैट ग्रामर थिंग जो हमको बाद में पता चलेगा, राइट? ठीक है, चलो मैंने खाली इतना सा किया है। अभी इसके अंदर फॉर्मेटिंग पे आते हैं हम लोग। तो इसको पहले हमने 12 किया, आई थिंक इसको 10 कर देते, थोड़ा और छोटा चलेगा वैसे। 10-12 जो भी रखना है वो रख सकते हैं, 11 रखना है, यू कैन प्ले विद दैट। अगर हम इसको कर रहे हैं तो वी स्टार्ट विद अ टैब वैसा। अभी डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स जो फॉर्मेट है ना, हम यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर सकते हैं वैसा। तो अभी हमारा ये क्या है, ये हमारा हेडिंग है, राइट? तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट, इसको हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग टू। ये हमारा हेडिंग टू हो गया है, ओके? एंड यू विल सी व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ये हम ऐसे करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है। ये देखो इंट्रोडक्शन आ गया ऑटोमेटिकली। गूगल डॉक्स यूजुअली ऑटोमेटिकली कर देता है, बट यू कैन सी डॉक्यूमेंट आउटलाइन ऑन द लेफ्ट,
जैसे जैसे हम अलग अलग साइंटिस्ट के डिटेल्स डालेंगे ना वैसे वैसे आ जाएगा वैसा। ठीक है अभी ये जो इनको है ये जो है अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो टूल था हमारा स्पेलिंग वाला टूल दिस इज अनदर फीचर राइट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो अभी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हमको क्या बता रहा है एक्सपेरिमेंट्स चेंज एक्सपेरिमेंट्स टू एक्सपेरिमेंट्स। ये देखो स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत की थी कहाँ पे गलत है ये ई नहीं आना चाहिए राइट सो वी एक्सेप्ट इट ओके द डॉक्यूमेंट लुक्स गुड वैसा। ये खाली मेरा एक दूसरा क्रोम प्लगइन है उसकी वजह से ये सब आते हैं बाकी सब ठीक है। विच वन डिड यू गेट इशिता द ग्रामर चेक वन हेडिंग टू ओके। तो हेडिंग में क्या करते हैं हम लोग जो हम ये जो टाइटल होते हैं ना व्हाट वी डू इज वी गो इनटू फॉर्मेट एंड वी सिलेक्ट के ये कौन सा टाइप का हेडिंग है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कैसे सिलेक्ट करते हैं अगर एक हेडिंग के अंदर एक अनदर टाइटल है जो जो हमारे केस में आएगा तो वी कैन सिलेक्ट वेदर इज हेडिंग टू हेडिंग वन जो है ना हमारा मेन हेडिंग है ये वाला इसको अगर हम सिलेक्ट करके क्या करेंगे फॉर्मेट पैराग्राफ स्टाइल हेडिंग वन कर देंगे इसको ठीक है ये हमारा हेडिंग वन हो गया ये हमारा हेडिंग टू हो गया। तो अभी हम लेफ्ट में देखेंगे तो ओके दिस इज द मेन इसके अंदर इंट्रोडक्शन इज द वन वैसा इसके अंदर अगर एक और कुछ हेडिंग आता है तो उसको हम हेडिंग थ्री सिलेक्ट करेंगे वैसा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक इंडेक्स बन जाएगा अपना गॉट इट ओके। सो नाउ इंट्रोडक्शन हो गया लेट्स से लेट्स राइट अभी क्या लिखना चाहिए हमको साइंटिस्ट के बारे में लिखना है राइट सो नेम ऑफ साइंटिस्ट जो हम करते हैं फिलहाल बोलो क्या बोल रहे थे एक्चुअली हम साइंटिस्ट कर रहे हैं ना तो हम पहले क्या करेंगे डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ साइंटिस्ट एनीबडी हियर नो व्हाट इज अ साइंटिस्ट स्टडी ऑफ साइंस One who deals with the subject of science. One who deals with the subject of science. Yes. देखो इसको मैं वापस by the way format कर रहा हूँ क्योंकि this is also a heading तो मैं इसको heading बना रहा हूँ वैसा and you can see कि यहाँ पे देखो आ गया automatically. What is a scientist? Now इधर देखो एक और feature मैं आपको बता रहा हूँ इधर. Google पे जाने का. यहाँ पे search करने का. सबसे पहले खुद को पूछने का. What is a scientist? ठीक है. अभी यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन है बराबर इसको हम क्या करेंगे कॉपी और अभी हम यहाँ पे आके इसको करेंगे पेस्ट। अभी जो पेस्ट करने का है ना समझो रुको लेट्स टेक इट फ्रॉम विकिपीडिया विकिपीडिया कैसा ये देखो ये है समझो ऐसा है राइट इसको हम यहाँ पे जाके इधर मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ तो देखो पूरा फॉन्ट इसका अलग है इसका फॉन्ट पूरा अलग है तो हमको क्या करना है ये सब अलग है तो हम क्या करते हैं जब कॉपी करते हैं यहाँ पे सो लेट्स गो बैक टू विकिपीडिया यूजुअली अब क्योंकि अभी ये एग्जांपल और आएगा जो हमको दिखेगा हम इसको कॉपी करते हैं राइट यूजुअली आप कीबोर्ड से कॉपी कर सकते हो बट सबको दिखे इसके लिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आके जब हम पेस्ट कर रहे हैं ना तो यहाँ इंसर्ट सॉरी किधर था अपना फाइल paste without formatting. What does this mean? Paste without formatting is जब हम paste कर रहे हैं we want to keep के हमारे existing document का जो format है ना we want to keep that. We don't want format from Wikipedia का जो भी format होगा. So I do this. Automatically ये अपने इस format में convert हो गया है. And ये example और आगे आएगा. इसको हम समझो एक और लेते हैं. ये और लेते हैं हम लोग. ये पूरा का पूरा ले लेते हैं एक और पैराग्राफ ठीक है वी गो बैक हियर व्हाट वी डू वी गो टू पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग तो सारे हाइपरलिंक्स चले गए सारे लिंक्स चले गए ऑटोमेटिकली जो फॉन्ट जो इसके पहले जो फॉन्ट था उसने वो कॉपी किया वैसा और इसको भी हमें ना एरियल ही करते हैं एरियल इज बेटर ठीक है अभी आपको इसको फॉन्ट को अगर चेंज करना है तो इसको 11 कर सकते हैं ठीक है अगेन इसको यहाँ पे टैब दबाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नाउ वन मोर थिंग यू कैन डू इन पैराग्राफ अभी देखो पैराग्राफ यहाँ पे जो था हमारा
लाइन स्पेसिंग करके एक है. अभी देखो हमारे इसके बीच में ना लाइन स्पेसिंग इतना है. यूजुअली कोई भी आप लीगल डॉक्यूमेंट देखोगे ना तो उसके अंदर है ना लाइन स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा होता है. तो हम इसको ना 1.5 करते हैं. जिसको लाइन स्पेस करना है ना उसको सिलेक्ट करने का पहले फॉर्मेट लाइन स्पेस में जाके 1.5. यू सी द डिफरेंस? ठीक है, आई विल शो दैट अगेन. ओके, समझो अपना पैराग्राफ ऐसा था. ये बहुत अंदर लग रहा है मेरे को, एकदम ऐसे एक के ऊपर एक ऐसा आ गया है. तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ना इन सब के अंदर है ना, आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, आप एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू. बट मैं यहाँ पे जाके ना मैं इसके ना लाइन स्पेसिंग इसको मैं चेंज करूँगा, 1.5 करूँगा. इसको मैं और ज़्यादा भी कर सकता हूँ लाइन स्पेसिंग में, इसको डबल भी कर सकता हूँ. बहुत ज़्यादा हो सकता है, अपने ऊपर है. बट ज़्यादा भी नहीं चाहिए अपने को, 1.5 चाहिए, थोड़ा सा क्लियर लगेगा वैसा. समझे? अभी हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे. एनी क्वेश्चंस हियर? इन सब जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने, ओके ठीक है, इन सबको निकाला. अभी हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट का नाम. साइंटिस्ट का नाम विक्रम साराभाई बोल रहा था ना. सेम चीज, इसको हम क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे देखो, अभी हम इसको, हमको इसको ना हेडिंग बोल्ड, फॉन्ट साइज, इसको हमको है ना हेडिंग बनाना है. फॉन्ट साइज वगैरह करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. देखो यहाँ पे विक्रम साराभाई आ गया. अभी विक्रम साराभाई आ गए तो हमको क्या करना है, विक्रम साराभाई का देखो, अभी समझो हमको साइंटिस्ट का नाम लिखना है, विक्रम साराभाई, राइट. अभी इसके अंदर देखो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाता है, बट इट्स अ हेडिंग. तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके उसको हेडिंग सिलेक्ट कर देंगे. तो ऑटोमेटिकली ये हेडिंग हो गया, विक्रम साराभाई. ओके, अभी हम विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट विक्रम साराभाई. ऑब्वियसली विक्रम साराभाई का हमको क्या क्या डिटेल्स ले रहे हैं हम, पहले ये बताओ साइंटिस्ट के. बर्थ प्लेस मैं फिलहाल से वैसे लिख रहा हूँ, बर्थ प्लेस और Education और his experiments और researches, right? His achievements. Achievements, right? Basically विक्रम साराभाई का resume बना रहे हैं अभी हम. Qualification हो गया, education के अंदर आ गया. Awards and achievements आ गए, very good. Family life, yes, so which is very good. Personal life, or okay. Now, success. Okay, what you can do is, na Google भैया जो है, देखो. Birthday. देखो इन्होंने पूरा बता दिया. Personal life, professional life, position क्या है, contribution, right? Contribution experiments वो सारे आ गए, right? सब गूगल कर करके डाल रहे हैं यहाँ पे. डेथ एनिवर्सरी हाँ, पर्सनल लाइफ के अंदर ये हम पूरा डाल देंगे. ये क्या करेंगे, ये सेक्शन पूरा पर्सनल लाइफ का बनाएंगे, ठीक है. बेसिकली आप देखो कोई भी विकिपीडिया पेज देखोगे ना तो उसके अंदर देखो, सरप्राइजिंगली विक्रम साराभाई का विकिपीडिया पेज इतना अच्छा नहीं है. इट्स डजंट कंटेन लॉट ऑफ डिटेल. सेम इसी इसका देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का देखते हैं. देखो खत्म ही नहीं हो रहा. देखो ये देखो, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, मैरिज, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, पेटेंट्स, वैसा बेसिकली हमारा जो साइड में लेफ्ट में जो बन रहा है ना वो ये बन रहा है. हम इसको हमारा जो चीज है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. पर्सनल लाइफ हम करते हैं थोड़ा, एजुकेशन करते हैं हम, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं और अवार्ड्स करते हैं, ठीक है.
Now comes जो मैं heading 2 की बात कर रहा था ना, now comes that. Go to format, lines, paragraph style. Now it will be heading 2, 3, 4, कौन सा? 3. Heading 3. ठीक है, heading 3 हो गया. Similarly, इन सबको मैं लगा देता हूँ. सबको एक साथ select करके भी आप कर सकते हो. Okay? ये हमारे सारे हेडिंग हो गए. ठीक है, अभी हमको क्या करना है, खाली इसके अंदर आके डालना है. अभी फर्स्ट चीज पर्सनल लाइफ के अंदर ही हम क्या करते हैं, इनका फोटो पर्सनल लाइफ में डाल देते हैं. ऑब्वियसली सबका फोटो तो डालेंगे. नाउ कम्स द फन पार्ट अगेन. लेट्स गो टू इंसर्ट एंड लेट्स वी हैव टू इंसर्ट एन इमेज. हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सर्च फ्रॉम वेब ही कर देंगे. इसका इमेज करना है विक्रम सारा भाई. फोटो आ गया. कौन सा फोटो अच्छा लग रहा है? फर्स्ट वन. फर्स्ट वन ठीक है. सिलेक्ट किया इसको, इंसर्ट किया, बूम विक्रम सारा भाई आ गए. ये विक्रम सारा भाई बहुत बड़े हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, छोटा करेंगे. एडिट ठीक है, सिलेक्ट करो इसको, एडिट करो. ये आगे विक्रम साराभाई. अभी विक्रम साराभाई के पर्सनल लाइफ के बारे में लिखेंगे. ऑब्वियसली हमको विक्रम साराभाई के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो वी कैन राइट द बर्थ प्लेस. हां बर्थ प्लेस. हां नहीं, हमको ये सब पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ पता नहीं होता है तो हम करते हैं विकिपीडिया. यस, विकिपीडिया जो भी है. चलो तो ये है, अभी हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर देते हैं. पर्सनल लाइफ का सेक्शन है ना, बट अगेन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करो टीचिंग के लिए. यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, समझो, क्योंकि जिसका रिपोर्ट आएगा ना, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट रिपोर्ट, एंड इफ यू नॉट एबल टू आंसर ना, नॉट गुड. समझे? ओके, तो हम लोगों ने इसको कॉपी किया और इसको मैं ना नॉर्मली पेस्ट करते एक बार. चलो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, राइट, पर ये मैंने ना पेस्ट, यू वर सपोज्ड टू पेस्ट इट विदाउट फॉर्मेटिंग. एग्जैक्टली, सो वी गो हियर, एडिट, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, तो आ गया अपना. पर ये प्रिंट भी हो जाए ना, उसके बाद में ये हाइपरलिंक्स निकाल दे रहे. बाय द वे, एनीबॉडी नोज व्हाट दिस हाइपरलिंक्स आर? ये क्या होता है, ये सब लोग क्यों डालते हैं 8 7? हाँ, लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 7. नो So to write in a point format. No, this is not point format. ये जो ऊपर होता है वो point format होता है. If we click on it, now we get to know that where it's open. No, so what happens is any time you write something research related ना, कुछ भी आप कुछ भी paper लिख रहे हो, obviously सारे ideas अपने नहीं होते, right? सारे ideas अलग अलग. Contains the link from where it is taken. Exactly, the reference. And that should always be, that is best practice. क्या होता है, मेरा मैंने कहीं और से information लिया है, तो मैं सीधा directly I should not just take it and use it. I should write my references कि मैंने ये कहाँ से लिया है. So हम क्या करेंगे यहाँ पे, will we can actually create our own references section also. तो यहाँ के ये सब references हम निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं. But at the same time you can add your own reference यहाँ पे number one. और हम एंड में एक रेफरेंसेस सेक्शन रखेंगे, जिसको हम कौन से टाइप का हेडिंग देंगे, 1 2 3 यस, इट विल बी नंबर 2. ओके, नाउ आई वांट पीपल हु आर नॉट स्पीकिंग ना, दे शुड आंसर. सो एनीबॉडी हु हैज गिवन आंसर टिल नाउ वोंट आंसर फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स. Okay, so that's basically all the people who are typing here, all the people who are speaking won't answer my questions. Got it?
I'll show the formatting. Can you please one time show that how you brought the information from Wikipedia to here? चलो I'll show that again. हम यहाँ पे आए, हम Wikipedia पे गए, Google search किया, इसको copy किया, select किया, इसको copy किया, right? I come back here, see there are two options. One, you can select here, edit paste without formatting, or you can just right click and do paste without formatting. तो ये आ गया. फिर हम लोगों ने इसके hyperlinks निकाल दिए. Okay? अभी एक और चीज करना है हमको. अभी ये जो है विक्रम साराभाई तो यहाँ पे है, तो इतना जगह खाली है, तो मैं क्या करूँ, ये जगह को यूटिलाइज करना चाहिए. Exactly. तो जब हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं और ये रैप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा. थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये हो गया विक्रम साराभाई का, ये हो गया. अभी ये वापस कैसे दूसरे पेज पे आ रहा है, तो हम इसको ना सेम पेज पे रखना है, हमको इसको दूसरे पेज पे नहीं रखना है. तो हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना, उनको निकाल के इसको एक पेज पे ला सकते हैं. चलो हाँ, एक पेज पे आ गया. ठीक है, अभी एजुकेशन है. एजुकेशन बोलो, कैन यू शो अगेन हाउ टू डू रैप टेक्स्ट? या रैप टेक्स्ट, सो व्हेन यू क्लिक ऑन इमेज ना, इमेज के यहाँ पे ना यू हैव ऑप्शंस, इनलाइन, रैप टेक्स्ट और ब्रेक टेक्स्ट. अब तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करके देखो. अगर मैं इनलाइन कर रहा हूँ तो उसके लास्ट लाइन से होगा, रैप टेक्स्ट करूंगा तो पूरी इमेज से होगा, और ब्रेक टेक्स्ट करूंगा तो सीधा नीचे से ही होगा. सो यू वांट टू सिलेक्ट द रैप टेक्स्ट, समझे? ओके ओके. अभी हम एजुकेशन इनका सिलेक्ट करते हैं. इनका एजुकेशन हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इन्होंने कहाँ से किया है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके हमको इंसर्ट करना है इन अ टेबल फॉर्मेट. हियर वी विल यूज टेबल फॉर्मेट. ओके, तो विकीपीडिया पे टेबल फॉर्मेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेके हम उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे. ओके, जो कल हम लोगों ने टेबल सीखा था, आज वापस हम ट्राई करते हैं टेबल. लेट्स इंसर्ट टेबल. इस बार ना मैं 4 रोज कर रहा हूँ, और उनकी लास्ट 3 एजुकेशन डालनी है हमको, तो टोटल हम 4 रोज सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो हमारा हेडिंग होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट चीज क्या होती है हमारी, पीपल हु आर नॉट आंसर्ड दे हैव टू आंसर. यहाँ पे हम क्या क्या डालते हैं एजुकेशन में, हेडिंग क्या होगा, स्टैंडर्ड. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि वो अभी साइंटिस्ट है, उसके स्टैंडर्ड लिखेंगे तो थोड़ा अजीब लगता है. हम उसका यूनिवर्सिटी लिखेंगे इंस्टेड ऑफ कॉलेज, क्योंकि दे स्टडी इन यूनिवर्सिटी वैसा. देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली उनके परसेंटेज नहीं होते हैं, तो हम उसके परसेंटेज नहीं लिखेंगे, रैंक वगैरह वो सब नहीं इम्पोर्टेंट. साइंटिस्ट के लिए रैंक वगैरह वो सब नहीं लिखते, कभी भी हम ऐसे लिखते, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ी होता है कि दे अचीव 96% इन 10th, ऐसा नहीं. हम खाली वो यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, हम उनका ये हो गया. एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने वो पढ़ाई अचीवमेंट, अचीवमेंट का तो पूरा हम लोगों का अलग टैग है, ईयर. हाँ, तो उन्होंने किया था वो. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, क्वालिफिकेशन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ईयर हो गया, फील्ड. एक और लिख सकते हैं, कौन से फील्ड में है. तो क्वालिफिकेशन कैसा है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन जैसे मास्टर्स हो गया, पीएचडी हो गया, फील्ड कौन सा है वो. अभी है ना, मेरे को लगता है कि ईयर है ना एंड में आना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फील्ड में यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, इन सबको हम कर देंगे सेंटर. सेंटर कैसे करते हैं, ये सेंटर अलाइनमेंट, वेरी गुड. इसको हम बोल्ड कर देंगे, और आज हम थोड़े कलर्स यूज करेंगे. लेट्स यू, तो हम इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट का कलर करना हमको ना, टेक्स्ट का कलर नहीं करना हमको ना, इसको ना टेबल को फॉर्मेट करेंगे. सी, दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट वन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये टेबल को सिलेक्ट किया. ठीक है, इसको यहाँ पे हम इसका बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं चाहिए तो, कि हमको समझो कुछ भी बॉर्डर नहीं रखना है, खाली बाहर का बॉर्डर रखना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं. ये सेम ही है, अगर हम पूरा सिलेक्ट करते हैं इसको और हमको सिर्फ खाली बाहर का बॉर्डर रखना है. एक सेकेंड, क्या होगा इसको, ये थोड़ा वियर्ड है, एक सेकेंड. चलो पहले हमने इसको फॉर्मेट करते हैं थोड़ा. हम कभी भी राइट क्लिक करके ना फॉर्मेट में जा सकते हैं, जैसे समझो टेबल प्रॉपर्टीज में गए, टेबल बॉर्डर को हमको अगर अलग कलर का करना है, और या फिर थिकनेस बढ़ाना है उसका. लेट्स से हम इसका थिकनेस 2.25 करते हैं, इसको ओके करते हैं.
तो देखो थिकनेस बढ़ गया. हाउ डू यू गेट हियर? यू कैन इधर गेट फॉर्मेट एंड यू कैन डू द टेबल फॉर्मेटिंग फ्रॉम हियर और यू कैन डू राइट क्लिक एंड डू टेबल फॉर्मेटिंग. ठीक है, यू कैन गो टू टेबल प्रॉपर्टीज और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते. सेल का बैकग्राउंड कलर हम क्या करेंगे कि इसको ग्रीन करते हैं. सही, ठीक है, ये हमारा ये हो गया. ठीक है, ये ग्रीन हो गया. इसको हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये थोड़ा थिकनेस बराबर नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे ऑफिस जाएंगे, फॉर्मेट में, टेबल में जाएंगे, टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे. ठीक है, हम इसका ना इसका यही ठीक था 1.2, तो इसको और पतला भी कर सकते हैं. ये अच्छा लग रहा है. बराबर, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? नो नो सर. So let's go. उन्होंने क्या किया, क्वालिफिकेशन किया. Now this is where you have to read, okay? The initial formal establishment, this. Now what I'm going to do is, they say known as, let's read to it. It was founded by 1947. Professional life ने हमको इसका देखो उन्होंने क्या किया था. चलो क्या अगर कोई कभी कुछ मिलता नहीं है ना, सीधा जो चाहिए ना एग्जैक्टली वही गूगल के अंदर डाल दो. एजुकेशन ऑफ विक्रम साराभाई. चलो देखो हिंदी पांडा वेबसाइट है, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ. देखो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गया. ये इमेज अच्छा है, यू कैन यूज दिस इमेज आल्सो, यू कैन ट्राई डिफरेंट. सो आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन विक्रम साराभाई प्रोसीडेड टू कैम्ब्रिज. सो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है एंड टुक द ट्रिप्स इन नेचुरल साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेंट जॉर्ज कॉलेज. इन्होंने इनको एजुकेशन दिया नहीं है, कहाँ से इन्होंने पीएचडी या क्या किया है वो नहीं दिया हुआ. हम क्या करेंगे जो हमको मिल रहा है ना, पीएचडी कर दिया है, पीएचडी ऊपर दिया है क्या? हाँ डॉक्टरल एडवाइजरी ये किया हुआ है. कहाँ पे दिया था पीएचडी? हाँ सर, ये देखो नीचे में ही था, नीचे क्या थर्ड वाला, ये वाला सर पैराग्राफ. हाँ सर ये देखो विक्रम साराभाई यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज आएगा. पेस्ट तो कर दिया, अभी देखो पेस्ट करो इसको. मैं जब यहाँ पे पॉइंट करता हूँ यहाँ पे आपको क्या दिखता है? वर्डाना फॉन्ट तो हमको नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने पेस्ट बराबर नहीं किया है. हम क्या करेंगे इसको पेस्ट राइट क्लिक करके पेस्ट पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग. नाउ जो फॉन्ट है ये अभी भी यही आ रहा है. हाँ ये बराबर आया. यहाँ पे वापस जाके पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, तो अपना बराबर एरियल आ गया 11 नंबर. अच्छा किसी को क्वेश्चन था कलर का ना, सो आई विल शो द कलर थिंग अगेन एक बार. इसके अंदर कभी भी टेबल की कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज करनी हो ना, यू कैन इधर राइट क्लिक एंड गो टू टेबल प्रॉपर्टीज और यू कैन गो टू फॉर्मेट एंड वहां से टेबल प्रॉपर्टीज. सेल बैकग्राउंड कलर जो है ना दैट इज बेसिकली द कलर. तो समझो हम इसको अभी ये चेंज कर देते हैं. तो मैंने सिर्फ ये सेल सिलेक्ट किया था इसके लिए ये हुआ. इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे. इसको ये कर देते हैं. दूसरा कलर सेलेक्ट किया, पूरा का पूरा चेंज हो गया. ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या था उनका वहां पे? पीएचडी था. फील्ड कौन सा था? चलो लेट्स गो बैक एंड सी द फील्ड. पीएचडी फॉर एजुकेशन एंड टुक द सोलर फिजिक्स एंड कॉस्मिक रेस. उसका वो नेचुरल साइंस पर नहीं, नहीं ये तो ट्रिपोज ट्राइपोज इन नेचुरल साइंसेस. देखो उसके पहले उन्होंने ये किया था. ट्राइपोज क्या होता है? ऑनर एग्जाम फॉर बीए डिग्री एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. अच्छा ट्राइपोज इज कॉल्ड दिस.
Got it. So first उन्होंने natural sciences में ये किया था BA degree from St. John's College in 1940. तो वो हमको पहले डालना है. तो ये सबको है ना यहाँ से cut किया. Okay, anybody cut और copy में क्या difference होता है पता है? देखो मैं copy करता हूँ. Cut मतलब वो वहाँ से निकल जाएगा but अपने मतलब क्या वो clipboard में रहता है वो. Right, right, right. तो मैं अभी यहाँ पे ये जो select करता हूँ ना ये अगर मैं यहाँ पे इसको cut करता हूँ इधर गया कट अपना हाँ कट करता हूँ तो देखो इधर से निकल गया और इधर मैं जब पेस्ट करता हूँ तो वहां से निकला हुआ होता है कट का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स एंड कॉपी का है कंट्रोल सी और पेस्ट का है कंट्रोल वी ये एक शॉर्टकट्स का लिस्ट है ना मैं सबको दे दूंगा जो भी है सीधा सिंपल आप गूगल करोगे ना सब कुछ मिल जाता है ये देखो यहाँ पे सारे शॉर्टकट दिए हुए ये लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक है गोइंग बैक टू आवर डॉक्यूमेंट पीएचडी हो गया इधर इन्होंने बीए किया था सेंट जॉन से अभी मैं सीधा फटाफट टाइप कर रहा हूँ इधर यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फील्ड कौन सा था इधर नेचुरल साइंस नेचुरल साइंस साइंस यस वेरी गुड अब मैं यहाँ पे फील्ड नेचुरल साइंस अभी देखो यहाँ पे मैंने वापस पेस्ट फॉर्मेटिंग इधर भी नेचुरल साइंस ही हो गया ये 1940 में किया था 1947 में किया था ये नहीं है हम क्या करेंगे इसको डिलीट कैसे करते हैं डिलीट रो सिंपल डिलीट रो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हो गया हमारा एजुकेशन खत्म हो गया सिमिलरली एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च कंट्रीब्यूशन अब एक बार हम क्या करते हैं आप देखो इसके अंदर बहुत कुछ डाल सकते हो आप उसके करियर के बारे में डाल सकते हो करियर जो हम लोगों ने नहीं लिखा है वी शुड ऐड करियर आल्सो यहां पे करियर सेक्शन ऐड करना चाहिए हमको और एक और चीज लेफ्ट में देखते रहो ये देखो इट्स ऑटोमेटिकली फॉर्मिंग एवरीथिंग आपको कभी भी कोई भी सेक्शन पे जाना यू कैन जस्ट क्लिक एंड गेट देयर ठीक है करियर के अंदर आई जस्ट व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना कॉपी फ्रॉम हियर यू गाइस हैव टू रीड इट अंडरस्टैंड इट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली यहां पे पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग किया मैंने ये हो गया रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन आई विल गो टू विकिपीडिया एंड यहां से देखता हूं मैं देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ किया है तो ये सब इन्होंने रिसर्च किया है तो मैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम रिलेटेड रिसर्च वाला सेक्शन यहाँ पे डाल रहा हूँ अगेन पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग गलती कर दी तो हम गलती करते तो क्या करते हैं अंडू कर देते हैं बीच में हेडिंग के बीच में पेस्ट कर दिया यहाँ पे और सपोज टू पेस्ट हियर जो भी हो अंडू कर देने का नॉट ठीक है ये आ गया ये सब अभी कैसे है Sorry, you have to do paste. What happened? ठीक है यहाँ पे भी हम लोगों ने पेस्ट कर दिया अचीवमेंट्स एंड अवार्ड की रेफरेंस सेक्शन फिलहाल निकाल देते हैं अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स में हम यहाँ से इनके लेगेसी सेक्शन है मैं उसमें से सिलेक्ट कर देता हूँ ये लेगेसी सेक्शन क्या है तो हम ये लेगेसी सेक्शन को ये कर देते और पेस्ट कर दिया ठीक है अभी ये जो है ना लेगेसी सेक्शन है इसको हम क्या करेंगे इसको हम थोड़ा ये करते हैं बुलेट करते हैं बुलेट कहाँ से यहाँ से जैसे लास्ट टाइम लोगों ने किया था बुलेट यहाँ से करते हैं बुलेटेड लिस्ट यस यस ठीक है तो ये एक बार हो गया और बाद में हमका एंड एंड जो सेक्शन है अभी हम देखो एक बार ये करते हैं ना एंटर किया तो एक और बुलेट आया बुलेट से हमको बाहर जाना है एक और बार अगर आप एंटर करोगे ना तो आप बाहर आ जाते हो
यहाँ पे हम क्या करेंगे कंक्लूजन और यहाँ पे देखो आपके सारे साइंटिस्ट अभी नेक्स्ट साइंटिस्ट आएगा यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नाम बोलो एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम सेम चीज आपको रिपीट करना है ये सब इसको हम एपीजे अब्दुल कलाम को हेडिंग नंबर टू देंगे क्योंकि ये बाहर की साइड है राइट हेडिंग नंबर टू दिया सेम चीज एपीजे अब्दुल कलाम में रिपीट करना है हमको ये जितना भी है ना सब रिपीट करना है उसके अंदर ठीक है अभी इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और करते हैं इसको सबसे पहले इंडेंटेशन देते हैं सबको थोड़ा पर अंडरलाइन कर सकते हैं करियर को अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे सब जगह जाके ये अंडरलाइन कर दो या फिर डिफरेंट कलर्स यूज कर इटैलिक्स हां इटैलिक्स इटैलिक कर सकते हो दैट इज या दैट इज गुड एक्चुअली अंडरलाइन से बेटर इटैलिक अच्छा लगेगा ये सब इटैलिक है सो यू कैन डू दैट सब एक और सेक्शन आप क्या कर सकते हो पता है जब हम ये करते हैं मेन हेडिंग्स ही कर सकते हैं देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं इंसर्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या तो ये कैसे अभी यहां से रिपोर्ट स्टार्ट होगा बाद में आपका हर साइंटिस्ट जब खत्म होता है तो उसके एंड में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर सकते हैं वैसा तो वैसे चलो हाँ ये हो गया नाउ अगर कोई पेज दूसरे पे आ रहा है यू हैव टू मेक श्योर वो सेम पेज पे रहे कैसे भी करके आपको मेक श्योर के एक सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरे पेज पे आएगा तो कैसा अजीब लगता है तो हम क्या कर सकते हैं तो वी हैव टू ट्राई कि क्या कर सकते हैं कभी कभी हम लोग एक लाइन निकाल सकते हैं कभी कभी हम लोग थोड़ा कंटेंट निकाल सकते हैं केस कम कर सकते हैं वैसा सब कुछ भी कर सकते हो अभी इन सब के अंदर वापस यू कैन सिलेक्ट कि आपको ज्यादा चाहिए ये लाइन के कम चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट के सॉरी किधर गया अपना अलाइनर वाला यहां पे आप लाइन स्पेसिंग में आप यू कैन प्ले विद देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च पेपर जो होते हैं ना उसके अंदर कैसा होता है पता है दे एक्चुअली डू इट सपोज ये सेक्शन है usually pura paper aisa hota hai they format it in a different which is the two column format newspaper mein kaisa hota hai two column format newspaper ka two column format aisa hota hai same cheez hai but ye two column format ke andar hai samjha ye sir can you show that again yeah what you do is you go to format you select column two column three column newspaper mein pata hai aisa hota hai hamesha newspaper mein aise pehle newspaper mein do column hote hai It's very easy to read. A lot of information can be captured in there. That's all. You don't have to change pages, वैसे. ठीक है. और सबके अलग-अलग format होते हैं. Bullet number हम लोगों ने किया है. यहाँ पे आप ये लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो. वैसा paragraph style कर सकते हो. Borders and shading कर सकते हो. मतलब you can play with lot of stuff. ठीक है. इसको हम वापस undo कर देंगे. जो था वैसे ही रखेंगे. ये टेक्स्ट बहुत ज्यादा है मैंने सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया है ओके क्योंकि मैं कंटेंट को करूंगा तो अपना पूरा टाइम खत्म हो जाएगा बट यू गाइस हैव टू सिलेक्ट कि चार पॉइंट कौन से है वो यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट एवरीथिंग समझे सबको आपको मेक श्योर कि सब आप कंटेंटेड हो क्योंकि नया पैराग्राफ होता है तो आपको पता चलता है ये मैं टैब दबा रहा हूँ कंप्यूटर में टैब होता है ना उसको दबाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाता है समझे फोटो डाल दिया हमने ये कर दिया अभी हमारा क्या बाकी था लाइंस कंक्लूजन व्हिच पार्ट विशाल व्हिच पार्ट टू शो अगेन हम लोगों ने आउटलाइन के बारे में देख लिया हम लोग अभी क्या करेंगे थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स रैंडमली करेंगे देखो इसके अंदर एक और चीज आप देखो हमारे साइंटिस्ट भी यू हैव टू डू 5 साइंटिस्ट टोटल अभी देखो मिस्टेक्स जो हम लोगों ने की है ना यहाँ पे देखो बहुत सारी मिस्टेक्स की है हम लोगों ने और एक और चीज देखो ये पैराग्राफ कैसा है पढ़ने में एकदम इजी लग रहा है इजी ऑन द आईज बट एट द सेम टाइम ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ तो कितना एकदम क्लमजी लग रहा है व्हाट आई डू इज आई सिलेक्ट दिस इनफैक्ट आई सिलेक्ट एवरीथिंग हाउ कैन यू सिलेक्ट द होल पेज यू कैन डू कंट्रोल ए सो दैट वे यू सिलेक्ट द होल पेज ठीक है पूरा पेज सिलेक्ट किया फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा मैं लाइन स्पेसिंग में जाऊंगा 1.5 कर दूंगा बूम सो मेरा एकदम थोड़ा बेटर दिख रहा है वैसा कंट्रोल है ओके नाउ इसके अंदर एक और चीज था कि अभी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स किए राइट बिफोर द लास्ट थिंग यू डू इन योर डॉक्यूमेंट व्हेन यू सबमिट ना यू डू इज ग्रामर
स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. तो अभी देखो हम इसको चेक करते हैं फिलोसॉफिकल का ये स्पेलिंग. अगर इफ यू अग्री विद इट यू एक्सेप्ट. बहुत बार क्या होता है हमें ना नाम लिखते हैं, जैसे आपका खुद का नाम है स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. जैसे अगर मैं चिराग मांडोत लिखूंगा तो गूगल वुड नॉट नो कि चिराग मांडोत सही है गलत है. तो दे कैन जस्ट सजेस्ट. तो यू कैन इधर इग्नोर और एक्सेप्ट. सारा भाई का सारा भाई की जगह सारा भाई है, वी अग्री, हमने वो सिलेक्ट किया. इंटेलेक्चुअल को इंटेलेक्चुअल्स होना चाहिए, द इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम फेमस, क्योंकि ये ग्रामर मिस्टेक है तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. फ्रॉम दी फेमस होना चाहिए तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. अहमदाबाद का स्पेलिंग गलत है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. परसूट का स्पेलिंग इंस्टेड ऑफ टू इन्वेंटेड द परसूइंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इट्स अ रॉन्ग वर्ब सो यू सिलेक्ट परसूट. सो बेसिकली इफ यू अग्री ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो. एंड विल से द डॉक्यूमेंट निटल से द डॉक्यूमेंट लुक्स राइट. चलो ये हो गया. अभी एक और चीज, हम दो तीन फीचर्स जो हमने नहीं यूज किया, हमें ना हमारे हेडिंग को थोड़ा ऐसा फनी कलर देंगे. लेट्स से हम इसको रेड कर देंगे. ठीक है, ये जो स्पेसिंग है एक्स्ट्रा स्पेसिंग सब निकाल देने का, अच्छे से फॉर्मेट करने का. द डॉक्यूमेंट शुड लुक गुड. टेक योर टाइम, स्पेंड टाइम विद दिस. सिर्फ ये इसको हेडिंग किसने बनाया? ठीक है, यू कैन एक्चुअली द डेट जो है ना इसको ऊपर डालना चाहिए. ठीक है, अभी इसके अंदर एक और चीज जो कल जो हमारे रेज्यूमे में यूजफुल नहीं थी वो आज यूजफुल है. एनी गेसेस? हेडर एंड फुटर. एक्जेक्टली, हेडर एंड फुटर. तो हेडर में हम क्या डालेंगे? यहाँ पे ना आपका खुद का नाम डालो हेडर के अंदर. चिराग मांडो रोल नंबर 21 ऐसा कुछ. ठीक है, या फिर चिराग मांडो और एड्रेस भी डाल सकता हूँ मैं, मुंबई ऐसा. ये मेरा हो गया हेडर, ताकि सबको पता चले कि मेरा रिपोर्ट है. सब पेजेस पे मेरा नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा. और हेडर के अंदर कुछ डाल रहे हैं ना, इसको ना थोड़ा फॉर्मेट कर देने का, इसको ना ग्रे रखने का कलर उसको, तो क्या ताकि कैसा है वो जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इसमें डिफरेंस पता चले. समझे, ये हो गया मेरा हेडर. फुटर के अंदर हम क्या डालेंगे? यहाँ पे फुटर और हेडर कैसे? पेज नंबर. इधर यू कैन डू डबल क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन में जाके पेज नंबर डाल. पेज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन बाय, इसको हमको राइट में रखना है तो हम क्या करेंगे, इसको राइट फॉर्मेट करेंगे. ये हो गया. हाउ यू ब्रॉट दैट लाइन बिलो द मेन हेडिंग, ये वाला ना, ये इधर आप जाते हो ना इंसर्ट, यू डू हॉरिजॉन्टल लाइन. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट चार्ट. चार्ट ये क्या होता है पता है, यू नीड टू हैव, जब हम एक्सेल करेंगे ना तभी आई विल शो यू हाउ यू कैन इंसर्ट चार्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. क्योंकि चार्ट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग नंबर्स, और वो नंबर्स जब हमारे होंगे तभी हम इसके अंदर डाल सकते हैं. एक ड्रॉइंग का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे. अगर समझो यू हैव टू इंसर्ट योर ओन ड्रॉइंग यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं इंसर्ट यहाँ पे ड्रॉइंग में जाने का. एंड यू कैन मेक योर ओन ड्रॉइंग बेसिकली, लाइक लिटरली यू कैन मेक योर ओन ड्रॉइंग. तो समझो मेरे को क्या बनाऊंगा, स्टार. यू कैन ऐड योर इमेज, जो भी आपको एक बनाना है ना. समझो मैं ये एक बनाऊंगा, फिर उसके अंदर कलर ये करता हूँ, उसके बाद में मैं एक और ये बनाता हूँ, शेप सर्कल करता हूँ, उसके बाजू में उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, ब्लू कर दूंगा. सर शो इट अगेन. देखो यहाँ पे ये जो भी आपको शेप सिलेक्ट करा ना, यूजुअली कैसा होता है जब कोई रिपोर्ट पे काम कर रहे हो, नॉट दिस वन, तो हम क्या करते हैं, समझो हम एरो बनाते हैं कि ये एक है स्टार्ट, फिर हम एक एरो बनाते हैं, ये वाला एरो. सर वेयर इज द ड्राइंग ऑप्शन? ड्राइंग ऑप्शन यू गो टू इंसर्ट ना, वहां पे ड्राइंग ऑप्शन आता है. ओके, यहाँ पे हमको एरो है ना, मेरे को नीचे वाला चाहिए था, नीचे जो पॉइंट करता है ना वो वाला, तो मैं उसको बनाऊंगा, इसको डिलीट कर देता हूँ. तो अब यूजुअली हम जब फ्लो चार्ट बनाते हैं ना कि हम यहाँ से फिर नेक्स्ट में जा रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ और बनाते हैं.
जो भी अलग अलग चीजें आपको जो भी ऐड करनी है ना एंड देन इसके अंदर आप टेक्स्ट कर सकते हो इफ अग्री यहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अगर करना है एंजॉय जो भी आपको करना है सेव एंड क्लोज किया तो ये देखो यहाँ पे आ गया आपका खुद का टेक्स्ट खुद का ड्राइंग आ गया खुद का फ्लो चार्ट आ गया खुद का कुछ भी डालना है ना आ सकता है अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ बट यू कैन डू दैट एक और चीज मेरे को आपको बतानी थी कि समझो इफ यू इंसर्ट एन इमेज ठीक है सर्च फ्रॉम वेब सेम चीज हम करेंगे लेट्स सर्च फॉर एपीजे अब्दुल कलाम ठीक है एपीजे अब्दुल कलाम आ गए नाउ आई वांट टू सिलेक्ट एक सेकेंड कौन सा इमेज सिलेक्ट करूं मैं ताकि आई कैन शो यू दैट फीचर फ्लैग वाला एक सेकेंड ये वाला सिलेक्ट करते मैंने इंसर्ट किया है यहाँ पे ना अभी ये इमेज में प्रॉब्लम मेरे को सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो चाहिए मेरे को ये बाकी लोग नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ इट इज समथिंग कॉल्ड ये क्रॉप इमेज होता है क्लिक ऑन दैट क्रॉप इमेज एंड आई कैन ओनली सिलेक्ट एपीजे अब्दुल कलाम ये बाकी जो भी है ना जैसे अब कभी आप फोन पे स्क्रीन शॉट लेते हो व्हाट्सएप सॉरी फोन पे स्क्रीन शॉट लेते हो व्हाट्सएप पे लेते हो कैसे आपको यू हैव वेरी गुड आइडिया तो हम क्या करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम को लेंगे सर एक बार हमने सिलेक्ट कर दिया वी अग्री तो सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम रहा सी दैट कैसे हम लोगों ने एक बड़े इमेज से हाउ वी वेंट फ्रॉम दिस टू सो प्लीज शो इट अगेन यस आई विल शो दिस अगेन तो ये इमेज हम लोगों ने इंसर्ट किया था यू क्लिक ऑन द क्रॉप इन क्रॉप के अंदर से यू कैन कम बैक हियर नीचे किया इसको नीचे किया और ये हो गया एपीजे अब्दुल कलाम सीयर समझे यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इमेज ऑप्शंस के अंदर यू कैन ऐड अ बॉर्डर यू कैन डू कलर करना है आपको इसको अलग अलग फॉर्मेट करना है आप कर सकते हो देयर इज लॉट ऑफ स्टफ यू कैन डू ये सब मत करना एपीजे अब्दुल कलाम को बुरा लगेगा साइज आपको इंक्रीज करना है रोटेट करना है इसको एपीजे अब्दुल कलाम को सुलाना है तो सुला सकते हो ऐसा तो उसको मैंने निकाल दिया ठीक है ये हो गया ग्रामर हम लोगों ने चेक कर लिया हम लोगों ने हमारा देखो आउटलाइन बना दिया हमारे सारे रिपोर्ट पे पेज नंबर्स है ये देखो सारे ऊपर मेरा हेडर है मेरा फुटर है पेज नंबर्स है सब हो गया मेरे को अगर डायरेक्टली करियर सेक्शन में जाना है तो आई कैन क्लिक गेट इन टू द करियर सेक्शन वो भी हो गया है हमारा अगर इसके अंदर जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हो यू थिंक ओ दिस पर्टिकुलर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन हाईलाइट इट तो जैसे व्हेन समबडी रीड्स द रिपोर्ट यू कैन सी अच्छा ओ दिस इज दिस पर्सन और ये जो इंडेक्स इज बेसिकली दिस ओनली दिस आउटलाइन इज द इंडेक्स समझे व्हेन यू क्लिक ऑन दिस दिस इज द इंडेक्स ओके विनीत And if you want, you can also create. अगर आपका report बहुत बड़ा होता है ना, you can create your own index from here. ऐसे करके पूरा एक index बना दो वैसा. But Google आपके लिए automatically बना देता है. And I think you can easily add that. Google also has this explore thing. Okay. So one more thing you can do is explore करो. आप कोई scientist के बारे में कर रहे हो जैसे APJ अब्दुल कलाम. सीधा यहाँ पे सर्च करो एंड यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन हियर ओनली और वहां से आप क्लिक कर सकते हो व्हिच इज वेरी जीनियस मतलब बहुत ही अच्छा फीचर है ये है ना आई थिंक अदर देन दैट वी हैव बेसिकली कवर्ड एवरीथिंग वॉइस टाइपिंग हो गया यू कैन इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स इफ यू वांट यू कैन इंसर्ट लिंक्स हियर कौन से लिंक से आया है You can insert table content here. जैसे वो जो index का बात कर रहे थे ना विनीत सो वॉट आई वॉज सेइंग इज के जब आपको समझो index डालना ही है अगर extra print करने के लिए तो you can just go here table of content boom see here page number देखो automatically आ गया right now one more thing I think the only thing which is left is Like I said, you can go back into version history. You can go. देखो मैं सारे version history देख रहा हूँ. So I can go. Okay, चलो मैंने यहाँ पे ये था.
And this is a little complicated, so Jada, don't worry about this. But I can always go back. जब मैंने APJ अब्दुल कलाम को add किया था मेरे को वो चीज चाहिए वापस. You can go back. You can select. ये सारे changes. सर बोलो अगेन. Yeah. Google save करके रखता है जैसे सारे versions हैं ये. Let's go to this one. देखो ये version के अंदर APJ अब्दुल कलाम थे right? अपने current document में नहीं है. But मैं I can go back seven जो time था एक कोई भी time है उसपे ये थे right I can either restore this version if you click restore this version your version will go back to this one go back and जो है वही रहेगा don't worry about this too much धीरे धीरे आप करोगे ना तो आएगा कौन सा you talking about the table of content the way we add table of content is we go to insert We go table of content and add from here. You can add in two different things. You can add via link so that you can click and go to that section. Or you can add Telitha without link. Okay. One more thing. If you go to tools, you can click on explore column here. That's how you get explore. You can translate your document to different languages. When I convert it to Arabic, let's see how it looks like in Arabic. Anybody knows Arabic? Version history, jo hai na, you go to this and you click on version history here, and then you can navigate. Ki aap kaun sa version jaano. But don't worry about that version history right now. Dheere dheere wo aayega. It's not that important. Main khali bata raha tha feature kya hai. Okay. Arabic mein hai hamara. Pura ka pura. हिंदी में भी कर सकते हो सो ऑल ऑफ दैट यू कैन डू ठीक है बाद में ये हो गया पेज बॉर्डर्स यस यू कैन ऐड पेज बॉर्डर्स आल्सो लाइक यू हैव टू सिलेक्ट फॉर्मेट करना है आपको पेज को अगर फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे है आपके पास यहाँ पे बॉर्डर का तो गया पेज नंबर तो हम लोगों ने ऑलरेडी डाला है ये पे कहीं पे होगा बॉर्डर्स हाँ ये रहा पेज बॉर्डर बॉर्डर्स एंड लाइंस इसके अंदर ये पेज के अंदर ऐसा नहीं ऑप्शन है बॉर्डर्स एंड लाइंस का बट इफ देयर इज टेबल अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर वो ऑप्शन एक्टिव हो जाता है आई थिंक बॉर्डर्स एंड लाइंस का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इसके अंदर फिलहाल But I think you can add page borders when you're printing also. You can add from here. Okay, one more thing. So how can we highlight? Highlight, you select this. Select the text and click on highlight color. One more thing I wanted to show, which is very important, is any document you, any paragraph, you always have to justify it. So I'll show you the example. Look, how is this? This paragraph is full. You have to justify it. तो कैसा अच्छा लगता है ये देखो ये कैसा एकदम टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है अभी एंड नाउ लेट्स सी इसको हम अगर ये करते तो ये जस्टिफाई हो गया तो ये कैसा अच्छा लगता है दिस इज कॉल्ड जस्टिफाइंग समझ रहे हो पेज बॉर्डर्स का देखते हैं इन गूगल डॉक्स लेट्स जस्ट पेज बॉर्डर्स के साइड पे आई थिंक सो यू हैव टू एक्चुअली सिलेक्ट दैट बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट आई थिंक You have to select the template कौन सा होता है ना वो template select करके you can do that और तो can you show how to justify yes yes I'll show that oh yeah okay so this is how they're doing it okay you can add a border from here you can अगर आपको page border चाहिए तो you basically have create one table cell with one table and उसके अंदर आप पूरा ये content डालते हो I'll give you an example. So this way, the page border आता है sir. So there are multiple ways you can do that. Yes, so I'll show that. क्या question था उसके पहले किसी ने question पूछा था? How to do what? Justify. Oh, justify. Okay. So you select the paragraph. Very simple. And you click on this justify जैसा दिख रहा है ना?
एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट कितना मस्त लग रहा है वैसे प्रॉपर में तो अच्छा लगता है बेसिकली बाल बना देते हो ना वैसे एकदम क्लीन लगते हो वैसा है ऐसा लगता है वैसा वाला फीलिंग आता है अपने को पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अपने को जस्टिफाई करना है तो मैंने पूरा सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर दिया नाउ एवरीथिंग इज जस्टिफाइड ओके दैट वाज एंड द वन लास्ट फीचर इज शेयरिंग यू कैन शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद समवन यस कैन यू प्लीज शो दैट हाउ टू इंसर्ट दैट करियर पार्ट अगेन करियर पार्ट कौन सा ये हाईलाइट वाला No, no, the career of before one insert. ये वाला? From where did you insert that? कौन सा वाला ये? No, that career of Vikram Sarabhai. ये तो online search करके. Okay. No, she is asking of career. Yeah, that. Which one? Just copy and paste from Google, right? या कोई पूरा का पूरा करना अच्छे से आप उसके पॉइंट्स बनाना पॉइंट्स लिखना अच्छे से एंड वन मोर सेक्शन यू हैव टू डू एट द एंड इज समथिंग कॉल्ड फेवरेट साइंटिस्ट एंड व्हाई दैट यू हैव टू राइट दैट यू कैन नॉट गूगल रीड अबाउट ऑल द साइंटिस्ट एक्चुअली टेक योर टाइम ये ना आप अगर मेरे को एक घंटे के बाद अगर आप भेजोगे ना ये रिपोर्ट तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है पूरा का पूरा छापा है इतने मेरे को पता चल जाएगा आप इसको आराम से पढ़ो सब साइंटिस्ट के बारे में पढ़ो रिसर्च करो फिर सेंड इट टू मी ताकि यू आल्सो अंडरस्टैंड जस्ट डोंट मेक इट यहाँ डॉक्यूमेंट बनाना इसके लिए बना के दे रहे हो नो रिसर्च रीड अबाउट देम वैसा अच्छे से क्या किया वी डिड नॉट ऐड द कंक्लूजन यू कैन ऐड कंक्लूजन इफ यहाँ पे जो होगा और ये सब बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको देखो मेक श्योर कि आप इसको फॉर्मेट करके हेडिंग कर रहे हो adding number 2 and देखो एक और चीज देखो let's I add here इसको हमको वापस नया बनाना है या फिर refresh click करना है तो automatically यहाँ देखो ये इसके corner में refresh होता है update table of content किया तो automatically आ गया you have to write a report of 5 scientists okay in the same report Yes, yes, yes. Just like I have Vikram Sarabhai is one. आपके यहाँ पे 5 होंगे. APJ Abdul Kalam another होगा. उसके अंदर ये सब section होगा. वैसा at the end आपका table of content ऐसा दिखना चाहिए. APJ Abdul Kalam में भी same section होंगे. सब 5 scientists में same section होंगे. आपका report will probably be around 10 pages. PDF अगर आपको करना है तो you can do download as PDF. Share link is easier. But PDF always it's professional to share your work in a PDF. No need to write references. Don't worry about it right now. So ये देखो मेरा PDF हो गया और इसको मैं download करके WhatsApp में share कर सकता हूँ. Just like any other file. You can try if you want to make index in phone. You can do that also. Okay. Now I want everyone to submit. खाली कल के जैसे नहीं कि थोड़े लोग भी करते हैं वैसा शेयरिंग वाज अनदर थिंग यू कैन बेसिकली शेयर इट विद समबडी एंड दे कैन एक्चुअली सी इट सो फॉर एग्जांपल लेट्स लेट मी शेयर विद यश क्योंकि उसने को ईमेल भेजा था कल सो आई शेयर इट विद यश यश इफ यू आर ऑन योर कंप्यूटर ओपन दैट लिंक मैंने शेयर जैसे मैं शेयर करता हूँ ना दैट गोज टू यश ऑटोमेटिकली और मैंने जो शेयर किया है ना That I have given him different different access होते हैं edit करने का हो सकता है देखने का हो सकता है कल मैंने आपको सिर्फ देखने का दिया था तो आप सिर्फ देख सकते हो उसको आप उसको edit नहीं कर सकते I got it sir open करो उसको this is a very cool feature of Google Doc अब आजकल सब में आ गया but एक बार समझो आप कोई report पे काम कर रहे हो दो लोग साथ में काम कर रहे हो तो you guys can edit at the same time यस चालू हुआ यस सर दिख नहीं रहा यहाँ पे क्योंकि एज सून एज यू स्टार्ट इट शुड शो हियर सर फोन में स्टार्ट किया फोन में किया लैपटॉप पे करना स्टार्ट ओके फोन में भी आना चाहिए वैसे बट लैपटॉप पे स्टार्ट कर दिया Thank you.
Sir, ho gaya open. Now I can see Yash. Yash, now just start making edits. You make edits in introduction and I'll make edits in scientist. So main kuch aise random content add karo. This is a dummy edit, don't worry. And so Yash, you also start typing something. Now you can see that we both are working on the same document together. Yes, sir. Can you get that? Everybody get the idea main kya bol raha hu? Yes. Yes, sir. You can do that. So you can share. मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे हम पता है फेसबुक पे ऐसे कमेंट करते हो, जैसे राइट क्लिक करके मैं कमेंट कर सकता हूँ, अगर दो लोग साथ में कर रहे हो तो मैं इधर कमेंट कर सकता हूँ कि आई थिंक दिस सॉरी दिस इज ग्रेट कंटेंट, गुड जॉब, कुछ भी कमेंट कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एजुकेशन है कमेंट कर सकता हूँ मैं, दिस डजंट लुक राइट. In this comment section and sharing, you only do when you're working with somebody on the same document. So, jisko kar raha hai na, to usko aap, wo aayega yahan pe, wo bolega, okay, haan, resolve, waisa, ke haan, barabar tha, nahi tha, waisa. But again, don't take a lot of headache. Wo thoda advanced hai. Don't worry about it. Aram se, build the report right now. See, Yash is editing right now in my document. He's deleting it here. Now, what I'll do is, I will Yash ka permissions mein nikal raha hoon office. So now he cannot make any change. Now Yash, try making change. Now Yash cannot make a change. Kyunki maine uska edit access nikal diya. Usko wo edit nahi kar sakta. He can only watch now. Aisa. और अभी मैं कल जो मैंने किया था, I created this link so that you guys have something to look at. I'll add it in our. Sir. हाँ. एक सेकंड ना, सेशन चालू है, ट्रेनिंग कॉल यू इन अ बिट, 5 मिनट्स. ओके, चलो हम लोग स्टार्ट हुए थे 30 लोगों से, 5 लोगों ने बीच में छोड़ दिया. आई थिंक इट गॉट टू मच फ्रॉम देम, बट एनीवे, ओके, सो आई थिंक दैट्स इट. एनी क्वेश्चंस? No, sir. No. एक दिन का क्या प्लान? डेढ़ घंटा हो ही जाता है. समझा सबको क्या करना है? Everybody feel comfortable. Sir. Yes, sir. खत्म हो गया. Yes, sir. Do you feel the word you learnt word? Yeah, yeah, sir. समझ रहे? Yes. Yes, sir. Keep practicing now. You have to make sure scientist का report take your time. Take yeah, we are very it. Comfortable with अच्छे you. अच्छे से बनाओ. 5 scientists के बारे में लिखना है. At the end, आपको आपके favorite scientist के बारे में लिखना है. Make sure the content is good. सीधा copy paste मत करना. The content which I have added, it's not good. मैंने सीधा copy paste करके डाल दिया. But you have to think about it. What is it? You should understand every aspect of it. Okay. समझे? Hmm. Okay. Any other questions, thoughts, comments? No, no, no. Okay, so next section, what we'll do is we'll do PowerPoint. Okay. Or we'll do Excel first or PowerPoint first? PowerPoint, PowerPoint. 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 Okay, okay, PowerPoint. Got it. Okay, okay, fine. PowerPoint. Okay, haan, PowerPoint, okay, fine. Don't worry. Okay. PowerPoint also won't take a lot of Excel. So, हो जाएगा उसके बाद में Excel करेंगे हम लोग. Sir, 14 April तक time है हमारा, सब सीख लेंगे हम लोग. Don't worry. Sir, the link which you did. Sir, voice is breaking. Can you send us? हाँ. आज जो link किया वो आप send कर सकते हो group पे. भेज दिया group पे. ठीक है. Okay.
Did you guys have fun? Raise your hand with this if you had fun. Okay, chalo. All the best. Send me the report, okay? Yes, sir. Okay, bye-bye. Yes. Talking to you. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye.